नमस्कार जी, मैं सतीश वासने चौपाल व्यू से, और उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर हमारे साथ हैं शहर के एक व्यापारी देवेश वासने जी। हम उनसे विचार लेंगे सरकार के विषय में। नमस्कार भाई साहब, सरकार के विषय में बताइए आप, 4.5 साल में क्या क्या विकास किया सरकार ने? अगर सरकार की बात करें तो व्यापारियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, सिवाय जो है व्यापारियों के डुबाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। अच्छे अच्छे व्यापारी मर गए कोरोना काल में, और व्यापारियों के लिए ना तो सरकार ने कोई स्कीम चलाई जिससे जो व्यापारी उठ जाएं, जिन पर लोन है वो ब्याज नहीं चुका पा रहे, व्यापारी आज के समय में भूखा है। और जब से जो है नोटबंदी करी है उसके बाद तो व्यापारी बिल्कुल फेल है, और दुकानदारी के नाम पे तो 25% दुकानदारी भी नहीं रह गई है। और दुकानदार के लिए तो सरकार किसी भी तरह की सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। जो भी हो रहा है वो किसानों के लिए हो रहा है, व्यापारियों का माल काट के वो भी किसानों को दिया जा रहा है। लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, तो माल व्यापारी का जाकर रहा है, जो कुछ हो रहा है हो तो किसानों को ही रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, व्यापारियों को क्या हो रहा है? छोटा दुकानदार मर गया, बीज का दुकानदार मर गया, और लेकिन बड़ा दुकानदार जो है वो जिंदा है, बीज का व्यापारी दुकानदार जिंदा नहीं है, क्योंकि उसकी दुकानदारी नहीं चल रही, उसके बच्चे नहीं पल रहे, ब्याज चल रहा है, लिमिट चल रही है उस पर जो है। जनता तो ये कहती है कि ये सरकार है बीजेपी की, भाजपा व्यापारियों की है। नहीं, व्यापारियों की कहाँ है, कौन सा काम व्यापारियों के लिए, एक भी आप दिखाएं, किसी भी स्टेटमेंट दिखाएं, अखबार में, टीवी में, किसी न्यूज में दिखाएं कि व्यापारियों के लिए ये काम किए। हमारे योगी जी आए, उन्होंने जो है रखी साहब 14 जून गड्ढा मुक्त जून रखी, लेकिन सन नहीं बताई उन्होंने भी कि कौन सी सन में जो है गड्ढा मुक्त होंगे। लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि मुद्रा लोन के माध्यम से व्यापारियों को बहुत विकास हो रहा है। अरे मुद्रा लोन के माध्यम से विकास हो रहा है, जब दुकानदारी नहीं हो रही तो विकास कहाँ से हो रहा है? दुकानदारी तो हो, दुकानदारी भीगी पड़ी है। आप किसी दुकान पर जाएं देखें जाके, उसकी दुकान पर ग्राहक ही नहीं मिलेंगे। आप पीछे देखें, साइड में कैमरा दिखाएं, कोई ग्राहक खड़ा हो, आधे घंटे तक आप घुमाते रहें, ग्राहक का पता ही ना है। जब ग्राहक का पता ना है तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार को चाहिए कम से कम उसका ब्याज ही माफ कर दे गवर्नमेंट। आप बता रहे थे अभी किसान का बहुत विकास हो रहा है, किसान तो 9 महीने से बॉर्डर पर पड़ा है। नहीं, किसान मोर्डर पे पड़ा है तो उसकी समस्या है तो किसान को बताए तो सही। तो आप तो अभी बता रहे थे कि विकास हो रहा है किसान का बहुत। अरे किसान का व्यापार हो रहा है क्योंकि उसका तमाम जो है कई दफे जो है लोन माफ हो गए किसानों के, तो व्यापारियों का क्या हुआ? ऐसे तो विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए लेके व्यापारी भाग गया यहाँ से। लेकिन विजय माल्या आ गया तो उसे तो लाना चाहिए इन्हें, 15-15 लाख जो खाते में आ रहे थे वो कहाँ गए? विजय माल्या को हाथी मोदी जी ने कही थी हमारे कि विजय माल्या आएगा, उसे जो 15-15 लाख सभी के खाते में डालेंगे, लेकिन कहाँ है, कुछ हुआ ही नहीं, बोलते ज़्यादा है करते कम है। और व्यापारियों ने कि उन्हें पता है कि व्यापारी वोट बीजेपी को देगा, क्योंकि व्यापारी की आदत है 100 से जूते खाए तमाशो घुस के ही देखाऊंगी, वोट बीजेपी को देंगे, मर जाए जाए इसका वो फायदा उठाते हैं बीजेपी वाले, उन्हें नहीं उठा रहे, इसी बात को वो देख रहे हैं कभी व्यापारियों से तो हम वोट ले ही लेंगे, जो जाएंगे कहाँ। अपने चंदौसी विधानसभा से आप खुश नहीं हैं अभी बीजेपी सरकार से? अरे क्या बात कही, ये तो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा है। तमाम तरक्की के रास्ते हमारे जो है मंत्री जी जो हैं आज हमारी मौजूदा खोल दिए हैं, कहीं किसी तरफ गड्ढे नज़र नहीं आएंगे आपको, पूरा सड़क वाई वाह, स्कूटर मोटरसाइकिल की खटर पटर नज़र आएगी आपको, बस गड्ढे कहाँ हैं, गड्ढे तो उन्होंने बस, अब कौन सा गड्ढा पटा है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन सड़क के गड्ढे तो उन्होंने पाट नहीं दिए। तो आने वाले समय में आप किसकी सरकार चाहते हैं? अब सरकार किसकी चाहते हैं भाई, अब जो देखेंगे वो तो आगे, अभी कौन सी सीट, कौन सा आदमी आ रहा है, कौन आदमी बढ़िया आ रहा है, घटिया आ रहा है, ये तो उस पर निर्भर करेगा सीट के लिए। तो जो है अपनी विधानसभा से बताइए, चंदौसी विधानसभा से। इस चंदौसी विधानसभा से अगर ये जो है जो हमारे मौजूदा हैं शायद ही वोट मिले, ये तो शायद हारी जाएंगी मंत्री हमारी। अच्छा, तो आप किसा चाहते हैं, नया कैंडिडेट आना चाहिए या फिर यही मौजूदा रहनी चाहिए? नहीं, कैंडिडेट नया आना चाहिए, भारी भरकम आना चाहिए, जो शहर का विकास करे। अगर शहर का विकास नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या, फिर वो बेकार है सब मामला। चलिए, धन्यवाद आपको।